से फाकी और सूबाई महकमे टिड्डी दल को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत सिंध हिदायतुल्ला ने आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक सूबे भर में 1,01,613 एकड़ पर कोई खड़ी फसल टिड्डी दल के हमलों से मुतासर हुई है। जानते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ अशोक शर्मा से। अशोक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में टिड्डी दल के हमले हुकूमत के लिए ताहाल चैलेंज बने हुए हैं। वफाकी और सूबाई इदारे जो है वो इस सूरतेहाल को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर सिंध हिदायतुल्ला छजड़ो, उन्होंने इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक सिंध में 1,00,000 एकड़ पर जो फसलों पर टिड्डी दल ने हमला किया है और उनको तबाह कर दिया। 44,000 एकड़ फसलों पर अब तक जो स्प्रे किया गया। इसी तरह थरपारकर, सांगड़ और खैरपुर के जो रेगिस्तान है वहाँ पर 5,75,000 एकड़ पर अब भी टिड्डी दल मौजूद है। डिजर्ट एरिया में बताया गया है कि 17,600 एकड़ पर जो है वो एरियल स्प्रे किया गया है। दूसरी जानब आपको ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर 35 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिस और इन पैसों में से जो है वो नई गाड़ियां, स्प्रे के लिए मशीनें और अद्वियात की खरीदारी की गई है। और दावा किया जा रहा है कि इस वक्त महकमा ज़रात की 40 टीमें जो है वो टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए फील्ड में काम कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अशोक शर्मा अपडेट करने के लिए।